दोस्तों, अगर गर्भावस्था के दौरान एक गर्भवती महिला के नाम ही में देखे ये परिवर्तन, तो जान लीजिए पक्का लड़का ही होगा बोल के। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को मेरा चैनल प्रेगनेंसी मॉम में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि गर्भावस्था के दौरान एक गर्भवती महिला के नाभि में क्या परिवर्तन से हम लोग जान सकते हैं कि उनके घर में पलने वाला शिशु एक लड़का ही है बोल के, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या होता है जब एक महिला गर्भवती होती है, तो गर्भवती महिला को जानने की जिज्ञासा रहती है कि उनके घर में पलने वाला शिशु कौन है, लड़का है या लड़की, या फिर उनके घर वालों को भी जानने की जिज्ञासा रहती है कि गर्भवती महिला के घर में पलने वाला शिशु कौन है, लड़का है या लड़की, या फिर उनके घर वालों को भी जानने की जिज्ञासा रहती है कि गर्भवती महिला के घर में पलने वाला शिशु कौन है, लड़का है या लड़की। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि भारत में लिंग जांच करवाना कानूनन अपराध है। आप लोग भारत में लिंग जांच नहीं करवा सकते, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ उपाय है या फिर लक्षण है जिसके द्वारा आप जान सकते हैं कि एक गर्भवती महिला के घर में पलने वाला शिशु कौन है, लड़का है या लड़की। और जब एक महिला गर्भवती होती है, तो गर्भवती महिला के शरीर में बहुत सारे हॉर्मोन्स की वजह से परिवर्तन देखे जाते हैं, और साथ में शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। और दोस्तों, मेरा चैनल कोई लिंग भेदभाव को सपोर्ट नहीं करता है। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि जो गर्भवती महिला है उनकी जो जानने की जिज्ञासा है, उन जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ, बाकी मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। तो दोस्तों, आइए अभी हम लोग जानते हैं गर्भावस्था के दौरान एक गर्भवती महिला के नाभि में कौन से परिवर्तन से हम जान सकते हैं कि उनके घर में पलने वाला शिशु एक लड़का है ये बोल के। दोस्तों, अगर गर्भावस्था के दौरान एक गर्भवती महिला के नाभि में बहुत खुजली होता है, साथ में नाभि में दर्द, या फिर नाभि का रंग काला पड़ना, या फिर नाभि बाहर के तरफ होना, ठीक है, घर में, ये मतलब ये एक घर में लड़का होने का ही संकेत है या लक्षण है। तो दोस्तों, यही था नाभि में कौन से परिवर्तन से हम जान सकते हैं कि घर में लड़का ही है उसके बारे में। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, साथ में शेयर और कमेंट करके बताइएगा। और आप हमारे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उनके सामने जो नोटिफिकेशन का बेल है उसको प्रेस करके ऑल करके रख दीजिएगा, ताकि मैं आगे ऐसे प्रेगनेंसी टिप्स लाने से आपको पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।